This is me, Gurjant Singh, and today we're gonna discuss about preamble of Indian Constitution. The meaning of preamble, the means that the introduction to the statute, it is the introductory part of the Constitution. So जो preamble होता है वो Constitution का एक introductory part होता है. अगर किसी भी देश के बारे में हमने जानना है कि उस देश के objective क्या हैं, उस देश के लोग किस लॉ के अंदर आते हैं, तो हम उस प्रीएम्बल को पढ़ेंगे और उस प्रीएम्बल के थ्रू हम जान सकते हैं. बिकॉज प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन लेजिस्लेटिव इंटेंट. क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन है बिहाइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, उससे प्रीएम्बल से हमें पता लगता है. ऐसे एक बर्बरी यूनियन केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रीएम्बल है ये की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स एंड शो the general purpose for which they made several provisions in the constitution. जो भी constitution के अंदर several provisions हैं, उसको जानने के लिए हम अगर preamble को भी पढ़ लें तो easy होता है उन provisions को समझना. अब जो इसके पीछे ideology है, constitution is sufficiently crystallized in the preamble. जो को पूरा constitution है ना, इसको crystallize किया गया है preamble के अंदर, और ये पर्पस बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, पॉलिसीज बताता है जो कि इन प्रोविजंस के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजन के अंदर. और ये एक्सप्रेस करता है कि भी जिस आजादी का हमने सपना लिया था ब्रिटिश एम्पायर से, इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है. इट एक्सप्लेन्स द टर्म व्हिच आर गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, जैसे कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द कांग्रेस द होल पार्टी नेहरू अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेहरू. सो इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु आर सोर्स ऑफ अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लोगों के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज द सोर्स ओनली. एंड इट गिव्स द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अडॉप्टिव किया गया था 26 जनवरी 1949 एंड दैट केम इन टू द फोर्स इन 1950. हाउ फार प्रीएम्बल कैन बी यूज फॉर इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इन ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, एक पॉलिटिकल लीडर थे के गोपालन, जो कि डिटेन किए गए थे इन मद्रास जेल अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950. ये चैलेंज किया गया, जो डिटेंशन थी उसको चैलेंज किया गया, स्टेटिंग दैट देयर इज वाज एन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वर आर्टिकल 19, 21 एंड 22. ही आर्ग्यूड दैट राइट टू मूवमेंट वाज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19. And hence, the Defense Council must prove that the law of preventive detention was a reasonable restriction as per the five clauses of Article 19 and Clause 2. So, A.K. Gopalan थे, political leader थे, इनको मद्रास जेल के अंदर डिटेन कर लिया गया और इन्होंने कहा कि भी जो ये violation है मेरे fundamental right की under the Article 19, 21 and 22. So he said that जो डिफेंस काउंसिल है वो प्रूव करे कि जो लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन है वॉज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज पर द फाइव क्लोज ऑफ 19. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट ही वॉज डिटेन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड रिजेक्टेड हिज आर्ग्यूमेंट कि भी यहाँ पर कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है तेरे को, जो हमने डिटेन किया, जो सरकार ने या जो अथॉरिटी ने तेरे को डिटेन किया है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर किया है. और जो सुप्रीम कोर्ट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिलीव दैट ईच आर्टिकल वॉज सेपरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल है ये सेपरेट है. अभी कई बार प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, कई बार कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या कोई ऐसे तत्व होते हैं शहर के अंदर जिनकी वजह से माहौल खराब हो सकता है. अब जैसे कि आप किसान आंदोलन में देख सकते हैं कि भी कई बार पुलिस, जैसे NIA समन्स भेजती है, पुलिस FIR दर्ज करती है, तो ये सब सरकार के कहने पे होते हैं. ठीक है, सो इन रीजंस में अगर सरकार को लगता है कि भी शहर का माहौल खराब हो सकता है कुछ लोगों के बाहर रहने से, तो सरकार प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर उस बंदे को डिटेन कर सकती है. ऐसे एक के गोपालन थे, इनको डिटेन कर लिया आर्टिकल 19, 21 एंड 22. इन्होंने बोला कि ये वायलेशन है इसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही भी तेरे को जो डिटेन किया गया था प्रोसीजर जो एस्टेब्लिश है लॉ द्वारा उसी द्वारा, और उसका आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि भी पॉइंट ऑफ टाइम बिलीव दैट ईच आर्टिकल वाज सेपरेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और नोट करने वाली बात यह है कि जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. नाउ द सेम थिंग फॉर द केशवानंद भारती केस.
इन दिस केस जो सुप्रीम कोर्ट था इसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी टू द प्रीएम्बल जो कि रिलेटेड था स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रीएम्बल है ये फर्निश करता है वैल्यूएबल गाइडेंस इन द मैटर ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लुक इंटरप्रिटेशन जो होती है उसको किसी भी स्टैचुएट को अगर हमने इंटरप्रेट करना है तो सबसे पहले जो हम उस स्टैचुएट का ऑब्जेक्ट है ना उसको देखते हैं। अगर वो हमको हेल्प कर रहा है हमको वैल्यूएबल गाइडेंस कर रहा है इन द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेटिंग और अमेंडिंग एनीथिंग देन वी कैन टेक इट। सो ग्रांट सो इसे कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रीड हमें इसे ऐसे रीड करना चाहिए एंड इंटरप्रिटेड इन द ग्रैंड एंड नोबल विजन। हमको इसको एक नैरो सेंस में इंटरप्रिटेट नहीं करना चाहिए इसको विजन लाइक नोबल विजन में कि भी हम इसको इतना वाइडली अमेंड करें कि भी छोटी मोटी चीजों से किसी चीज की इंफ्रिंजमेंट ना हो किसी के राइट की। सो इट हैज बीन सेड दैट प्रीएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइड टू दोज हु फाइंड देमसेल्फ इन अ ग्रे एरिया व्हाइल डीलिंग विद द इट्स प्रोविजंस। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इसका प्रीएम्बल है जिनको इसके प्रोविजंस समझ नहीं आते हैं वो प्लीज एक बार प्रीएम्बल को पढ़ें और प्रीएम्बल के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके अंदर जैसे जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रेटर्निटी सो दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट नो व्हाट इज व्हाट दीज थिंग्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन देन रीड द प्रीएम्बल एंड यू विल नो अबाउट इट। सो प्रीएम्बल मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये है क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सो इसका आंसर केशवानंद भारती के केस में है। जो प्रीएम्बल बेशक वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है पर वो प्रोविजन नहीं है इसलिए वो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर से बाहर है। सो कोर्ट ने इस केस के अंदर हेल्ड ये किया था कि भी जो प्रीएम्बल है ना ये बाहर नहीं है अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368। इट वॉज इन एक्साइज ऑफ अमेंडिंग पावर कि ये इन द एक्साइज ऑफ अमेंडिंग पावर है द कोर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ऐसे ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड हुआ प्रीएम्बल और इसमें सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स को अमेंड करके डाला गया था। कंटेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल सो नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया दीज वर्ड्स डिक्लेयर दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड enacted and given themselves by the people of India and declare the sovereignty reside in the people of India. So, जो we the people है ना इसके अंदर ये जो words हैं ये declare करते हैं कि जो constitution है ना ये adopt करा गया है और enact करा गया है by the people of India. And the people of India are those people, those who elected their representatives. Okay? So, through them, the representative raise their voice and declare India as a sovereign state. Nehru थे जो उन्होंने explain किया that word people indicate the constitution was not made by the states. ये states द्वारा नहीं बनाया गया है और by the people of the several states या फिर कुछ states ने मिलकर बना दिया है but by the people of India ये सारे देश के लोगों द्वारा बनाया गया है. It does not allow any state to add to the constitution and challenge its validity or secede out from the nation. कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकता है और वो इस देश से अलग भी नहीं हो सकता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन हम सब ने मिलकर बनाया है. ऐसे ही उषा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था जिसमें जो एक्सप्रेशन था वी द पीपल इन द प्रीएम्बल मेक द पीपल सुप्रीम टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके सो पीपल आर द सुप्रीम ऑफ दिस नेशन लाइक दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय द पीपल टू देमसेल्फ बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ये नहीं है कि भी चार स्टेट्स के लोग अमीर कॉरपोरेट्स इकट्ठे और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए. नहीं, ये हमारा माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजोरिटी को कंट्रोल में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक को कंट्रोल में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है. ये एक देश को कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना उसको एक रद्दी मत समझो. ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ग्रंथ है. अपने धर्मों से उठकर ना एक बार धर्मों से बाहर सोचकर कि मैं तो हिंदू हूँ जी, मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैं तो सिख हूँ जी, हम तो अपने गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, मैं तो मुस्लिम हूँ जी, मैं तो कुरान को मानता हूँ. आप मानिए,
आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप आपके जो फेथ हैं, जो बिलीव हैं, उनको फॉलो करिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन जब देश की बात आती है तो सबसे जो सुप्रीम ग्रंथ, जो सुप्रीम लॉ है, जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है. प्लीज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, वॉज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कंटेंशन को. जो स्टेटमेंट थी प्रीएम्बल के अंदर दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देमसेल्फ इज नॉट ओपन टू चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट. अब इसमें क्या था कि किसी ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी ना, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबल किया है, जो इसकी असेंबली थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी. भी कुछ लोग खड़े हुए, मतलब जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने बोले हम देवांगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने कहा. तो किसी ने इस चीज के अंदर चैलेंज किया कि भी जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी, एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटेंशन को रिजेक्ट किया और कहा जो स्टेटमेंट इन द प्रीएम्बल है ना, दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री कन्फर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑन देमसेल्फ इज नॉट ओपन टू चैलेंज बिफोर दिस कोर्ट, ये चैलेंज के लिए नहीं है, यहाँ आप चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज को. दोज फैक्ट्स स्टेटेड इन द प्रीएम्बल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज करेक्ट. द मेंबर ऑफ द असेंबली वर द वॉइस ऑफ द पीपल, जो मेंबर थे असेंबली के वो लोगों की आवाज थी. इवन थो दे हैड बीन इलेक्टेड अंडर अ नैरो फ्रेंचाइज, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट पीपल ऑफ इंडिया इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हैविंग सिंसियरली रिजॉल्व. सभी लोगों ने इस चीज के लिए हामी भरी थी, हाँ भरी थी कि भी हाँ हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेंगे, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो आपके लीडर्स थे, उनके थ्रू. बेशक वो एक नैरो अडल्ट सफरेज थी वहां पर उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो कम्युनल अवार्ड थे 1935 के अंदर, ऐसा कुछ दिया गया था हमको. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था बहुत मुश्किलों से बना है, सभी समझदार लोगों ने मिलकर बना है. दे हैव परफॉर्म्ड ए सैक्रेड ड्यूटी बाय एक्सरसाइजिंग ए फुल विजडम. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, बहुत ही सीरियस थे वो प्रोविजंस को लेकर. ऐसे नहीं कोई ओंगा पोंगा बंदा उठा सवेरे उठा ले भाई मैं लिखूंगा गाना, मैं लिखूंगा ये, कुछ भी गा दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसे नहीं. बहुत ही गहरी सोच के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, इस प्रीएम्बल को डाला गया है. ड्यूटी बाय एक्सरसाइजिंग द फुल विजडम, बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने इस पॉलिटिकल नॉलेज को अपने पार्ट पे रखा है और इस कॉन्स्टिट्यूशन पे और इस कंटेंट्स को रखा है, कंटेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल को. नाउ द एक्सप्रेशन यूज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो सम सोवरन स्टैंड्स फॉर पावर विच इज एब्सोल्यूट अल्टीमेट, दैट वी डोंट हैव एनी मास्टर ओवर अस टू टेल अस दैट व्हाट आवर कंट्री शुड डू. वी आर सोवरन इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ओके. वी डोंट डिपेंड ऑन आउटसाइड अथॉरिटी टू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड डू टू टेक फॉरवर्ड आवर नेशन. सो वी टेक आवर ओन डिसीजंस. बिफोर इंडिपेंडेंस Britishers were giving us the orders and they were ruling on us, so they were doing whatever they want. Now, the term socialist was inserted in 1976 at the 42nd amendment of the constitution. Aur iske agar political system hai ek aisa jo ki advocate karta hai state ownership of means of production, ye jo state ki ownership hogi on the means of production, distribution and exchange. Jo Shri Savarn Singh the, inhone explain kiya ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, दैट द सोशलिस्ट मतलब है वो एक मिक्स इकोनॉमी है. डी एस नाकरा वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द वर्किंग पीपल एंड एशेफली प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम द क्रेडल ग्रेव. एंड जो प्रिंसिपल है वो एलिमिनेट करने के लिए है इनक्वालिटी इन द इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ. सो इट इज इजी, लाइक यू कैन गाइस रीड द. ऐसे ही रणजीत सिंह के केस में समझाने की कोशिश करी, कहा गया कि भी जो इंडिया का कंसेप्ट है सोशलिज्म को लेकर वो डिफरेंट है. व्हाट इंडिया वांट इज बेटर लाइफ फॉर द पीपल एंड द एपेक्स कोर्ट स्टेटेड दैट इवन इट डजंट मीन टू ईच अकॉर्डिंग टू बी यूज, इट मस्ट मीन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. भी जैसा काम वैसी पे होनी चाहिए, ये नहीं कि भी उसके साथ बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो. अगर एक लेडी काम कर रही है तो उसे ये देख कर सोच लिया कि अरे ये कैसा काम कर पाएगी, इसको थोड़े दे देंगे, इसके हस्बैंड को उतने देंगे जितने देते हैं. दिस इज सोशलिज्म. सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इट डजंट मीन ईच अकॉर्डिंग टू बी यूज, किसी को ऐसे यूज कर लिया जाए. अब अगर सेक्युलर वर्क, इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को रिकग्नाइज नहीं करता है एंड
ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वल, ये सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है एंड दे डोंट इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द रिलीजन. इट डजंट मीन दैट द स्टेट इज एन एंटी रिलीजियस नॉर इट इंटरफेयर्स विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इट इज न्यूट्रल. इट इज कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ अ मैन टू अदर मैन. इसका जो कंसर्न है मेन, इसका रिलेशन with the relation to man with the other man, और जो constitution है ये ensure करता है equal freedom to all religions. At the same time it declares that state doesn't have anything to do with the religion. ऐसे ही Saint Xavier College versus State of Gujarat का एक केस था कि भी it is neither anti god nor a pro god. जो secularism का जो है मतलब कि भी state ना ही anti god है ना ही pro god है. It treats alike the same all the same. It eliminates the god from the matters of the state. ये eliminate कर देता है god को matter of the state के and ensure that no one shall be determined against the ground of religion. किसी को भी determine नहीं किया जाए against the ground of religion. और जो secularism है is to be one of the basic feature of the constitution which is beyond the amending power of the parliament. ये इसको हम amend नहीं कर सकते. हम इसमें preamble में कुछ add जरूर कर सकते हैं पर उसमें से हम amend नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही wider sense के अंदर हम इसको interpret करते हैं और डालते हैं. जो secularism is to be the most basic feature of the constitution which is beyond the amending power of the parliament. The concept of secularism has been held to be the facet right to the equality. यही है जो एक right to equality की बात करता है secularism. क्योंकि अगर किसी state का मान लो धर्म हो जाता है कि भी कोई गवर्नमेंट है वो एक धार्मिक बेसिस पे अगर वो कानून बनाती है वो सिर्फ अपने ही लोगों के लिए बनाए. वैसे ऐसा कुछ कंसेप्ट है अभी भी फिलहाल पर ढका जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब, कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ही रोक रहा है इन लोगों को, नहीं तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता. ऐसे ही डेमोक्रेसी वर्ड को एक्सप्रेस किया गया है इसमें प्रीएम्बल के अंदर, और ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, और इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय people. It is a form of a government in the administration of which the mass adult population has some direct or indirect share. We do vote, we elect our government indirectly and directly. Okay, you all know how you vote at the age of 18. The adult population all vote, you go off, stand in line, vote for you minister who they support the party. Now Mohanlal versus district magistrate aa jata hai. ये basic principle of democracy की बात कर रहे हैं. कहते कि भी एक society जो govern होती है ना वो rule of law द्वारा होती है, not only to respect the will of the majority but also prevent the dictatorship of the majority. कि भी जो democracy है ये rule of law है. Rule of law के बगैर democracy नहीं है. Rule of law means इक्वल बिफोर लॉ. ये जरूरी नहीं है कि भी मेजोरिटी में कुछ लोग हैं 80% मान लो अगर हिंदुओं की मेजोरिटी हो गई है तो दैट डजंट मीन कि भी हम माइनॉरिटी को डिक्टेटरशिप के अंदर धकेल दें, समझे. जैसे कि ट्राइबल एरियाज और जो शूद्र कहा जाता था पिछले जमाने में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, तब डेमोक्रेसी नहीं थी, तब यही चीजें थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था. क्या होता था, जिसकी मेजोरिटी है वही राज कर रहा था. मुगल्स आए, औरंगजेब आए, वो कैसे आए, वो मेजोरिटी में थे, दे वर हैविंग गुड पॉपुलेशन. अब जो जितने भी सिटीजंस हैं इन सब के पास पॉलिटिकल इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं. इनके मींस एक्टिव एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द पीपल इन दिस रिगार्ड. इट मींस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकती है पीपल की इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट. इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट पैरामाउंट एंड बिकम्स द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. दे विल express in the periodic election based on the universal adult suffrage. So the universal adult suffrage, like if you want to elect in a government we will elect through that. And Union of India versus Association of Democracy Reforms, a successful democracy jo possess karti hai aware citizenry. Democracy cannot survive, the court said, without free and fair election, without free and fairly informed voter. डेमोक्रेसी तब तक नहीं प्रिवेल करेगी, तब तक नहीं सोसाइटी में आएगी जब तक वहाँ के लोग सिर्फ कास्ट को देखकर वोट कर रहे हैं या फिर सिर्फ मेजोरिटी को देख के भी मेरा भाई इसको वोट दे रहा तो मैं दूंगा. लाइक यू ऑल शैल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड आउट ऑफ द पब्लिक, यू नो, लुक विच मिनिस्टर इज वर्किंग गुड
for the better of welfare of the society. This is how you go. Don't go like भाई को जिताना है, भीड़ लगानी है, वो काम मत करिए, ठीक है? Republic, इसको use किया गया है to distinct monarchy. Republic means a form of a government जहाँ पर head of the state is a elected person and not a hereditary monarch. कि भी किसी राज्य का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ये इलेक्टेड पर्सन ही होंगे यहाँ पर जिनको लोग चुनेंगे. अब जो सुप्रीम रेस्ट इन द हैंड ऑफ द पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज एनफ्रेंचाइज्ड बाय द अडल्ट सफरेज. इलेक्शंस द्वारा हम अपनी पावर को यूज करते हैं, अपने सुप्रीम लीडर को चुनते हैं. और जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया का, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, इज इलेक्टेड बाय पीपल इनडायरेक्टली, हु होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म 5 years. Okay. Now the preamble secures the citizens of India justice, social, economically and politically, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity. So that means jo preamble hai secure karta hai citizens ko justice and social life, economical life and political, and liberty of thought, expression. You all know these words. And belief, faith and worship. उसका कोई भी बिलीव कर सकता है, किसी भी फेथ को वर्शिप कर सकता है. इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी, दिस इज फर्दर गोइंग टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. जस्टिस में द सिंसियर रिकनसाइलमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंडक्ट विद द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. कि जो सिंसियर रिकनसाइलमेंट हो किसी भी इंडिविजुअल कंडक्ट की, वो भी जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हो. मान लो किसी का मर्डर हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि भी उसके स्टेटस, रेस, रिलीजन को देखकर उसको प्रताड़ित या पनिश किया जाए. एबोलिशन ऑफ इनइक्वालिटीज करनी है हमने जस्टिस के थ्रू, ना कि उन्हें बढ़ाना है. टू अचीव द सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन लेज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर ऑफ इंडिया, द एम है जो सोशल जस्टिस का, वॉज टू अटेन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इक्वलिटी विच वॉज लिजिटमेट एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गोल. यही हमारी एक्सपेक्टेशन है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गोल है. एक पोलिटिकल इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सोशल इक्वलिटी हो. और जो कोर्ट था, इसने रूल किया दैट द आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनविजन्ड है सोशल जस्टिस as the art to ensure meaningful and livable with human dignity. Sabhi human dignity ke saath meaningful life ji rahe hain. Economic justice, it means justice from standpoint of economic force. In short, it means equal pay for equal work, that every person must get his just dues for his labor irrespective of इस कास्ट, सेक्स एंड सोशल स्टेटस. मान लो किसी को हम ऐसा काम दे देते हैं जिसकी पे बहुत ज्यादा है, पर हम देखते हैं अरे यार ये तो इस जाति का, इस कास्ट का है, इसको कम दे पैसे, इनका इतने में चल जाएगा. उसका जेंडर देख के हम इसको जज कर रहे हैं, लाइक अरे यार ये तो वुमेन है, ये कैसे हैवी लिफ्टिंग कर लेगी, ये कैसे ट्रक चला लेगी, कैसे बस चला लेगी, इसको तो बस ऐसा वैसा काम दे देते हैं और छोटे मोटे थोड़े बहुत पैसे में चल जाएगा. तो ऐसा इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होती है. एक्चुअली जो काम है वो कुछ लोगों की काबिलियत पे देना चाहिए, ना कि उनकी जात, पा, धर्म और सेक्स, सोशल स्टेटस को देखकर. पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें, मींस एब्सेंस ऑफ एनी अनरीजनेबल और आर्बिट्ररी अमंग मैन इन पॉलिटिकल मैटर्स. किसी भी तरह की आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए इन पॉलिटिकल मैटर्स. अनरीजनेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने अडॉप्ट किया है अडल्ट सफरेज को फॉर पॉलिटिकल जस्टिस, कि भी सभी लोग वोट कर सकते हैं. पर आजकल थोड़ा सा ड्रामा है कि भी ड्रामा तो क्या, एक्चुअली दैट इज रियल. जो ईवीएम मशीन है हम जो यूज करते हैं वोटिंग के लिए, उसमें कुछ घोल है. कई बार ही राज्यसभा और इनमें दिखाया भी गया है कि भी कैसे हैक करके दिखाया उन्होंने कि भी ये मशीन्स भी हैक हो सकती हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं हो सकती है. एंड दीज मशीन्स वर ब्रॉट फ्रॉम यूरोप एंड दे एक्चुअली स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज आई डोंट नो, बट दे थॉट दैट दैट इज नॉट गुड एंड पीपल स्टिल वोट देयर बाय बैलेट सिस्टम. सो ये सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को
not only secure the equality of the status and opportunity by special provision among the people on various grounds, at the same time it makes provisions for the promotion of backward classes of the citizens and other weaker section of the people. Like SCST ko reservation dena in voting, women's ko reservation dena for elections, weaker sections ko liberty. अगर बात करें तो यूज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, इसको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेंस के अंदर यूज किया है. एज अ नेगेटिव सेंस मींस एब्सेंस ऑफ ऑल अनड्यू इंटरफेरेंस विद इंडिविजुअल एक्शन, कोई भी अनड्यू इंटरफेरेंस ना हो किसी भी इंडिविजुअल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट. इन पॉजिटिव सेंस लिबर्टी कंप्रोमाइज करती है राइट्स विच आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू अटेन हिज पोटेंशियल एंड फॉर परफेक्शन ऑफ नेशनल लाइफ. भी उसको इतनी आजादी हो कि वो जो उसकी पोटेंशियल उसे दिखा सके और इसमें स्टेट भी इतना इंटरफेयर ना करे, करे पर उतना करे जितना जरूरी है. नाउ द वर्ड फ्रेटरनिटी कम्स, कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि कहती है कि भी जो पीपल हैं, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, ये सभी एक धरती के बच्चे हैं. सो हमें एक दूसरे की सेवा भावना, इज्जत से भाईचारे में रहना चाहिए, किसी को गलत और या फिर गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए. डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज टू बी मेंटेन फॉर द फ्रेटर्निटी, देयरफॉर प्रीएम्बल अशोर्स द डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बाय इक्वल फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सेम टाइम. अब देखिए फ्रेटर्निटी को अगर कायम रखना है तो हमें डिग्निटी तो प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, अश्योर करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. वो कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग इक्वल फंडामेंटल राइट्स एट ऑल द सेम टाइम. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करें अपने नेशन की, तो जो इंडिया है इसको डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट. सो एज टू मेक इट क्लियर नो यूनिट ऑफ द यूनियन हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम इट. देखिए यूनियन जो हमारा देश जो सेंटर है, सेंटर के साथ सभी स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो इसमें से कोई सा भी स्टेट अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकता, सीसीड नहीं कर सकता है. इट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ अ डिफरेंट नेशन. इफ वांट टू मेक आउट कंट्री यूनाइटेड, एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी हमारे देश में टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटीज सब के अंदर होनी चाहिए, किसी का ऐसे मजाक ना उड़ाए. ऐसे ही परमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेज यूनिट ऑफ इंडिया की बात है, तो यहाँ पर जो गोल है फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ऑफ द नेशन कैन नॉट बी अचीव अनलेस, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हु फॉर अपने कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से एडवांस नहीं हो पाए, जब तक उनको हम इंटीग्रेट नहीं कर लेते मेन स्ट्रीम के साथ ऑफ द नेशन, तो तब तक हम फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन कैन नॉट बी अचीव, तब तक हम नहीं अचीव कर सकते हैं. और जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्रिस्टलाइज है प्रीएम्बल के अंदर. जय हिंद, जय भारत.